फुल स्क्रीन कर लेते हैं आज का, ऑप्शन नजर आ जाए। ये लिखा शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन को दबाते हैं जी, शेयर स्क्रीन को दबाते हैं, उसके बाद ये लिखा हुआ है शेयर कंप्यूटर साहब, बस अंदर किसी चीज को दबा दो शेयर को। मेरी वो वीडियो बंद है अब ऊपर चले गए ऑप्शंस, नहीं पहले नीचे नजर आ रहा है मुझे दी, हां ऊपर प्रोग्राम पे चल गया। ये ऊपर नीचे कर लेना,
हेलो कैन यू हियर मिस अस्सलाम वालेकुम मिस जी वालेकुम अस्सलाम हसन आर यू देयर बेटा हसन आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा नो रिस्पांस हसन जी हसन आर यू देयर यस मैम बेटा आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं और आपको इतना ज्यादा कहना क्यों पड़ता है फोर्स क्यों करना पड़ता है कि क्लास ज्वाइन करें क्लास 10 मैम वो सिर्फ आबिद को होमवर्क सेंड कर रहा था नहीं होमवर्क सेंड करने के लिए टाइम तो बाद में है ना 12 बजे के बाद इट्स नॉट फाइन कि आप टीचर जो हैं वो वेट कर रहा हूं आपका मैंने आपको मैसेज किए हैं इसीलिए प्लीज टाइम पर आइए इस तरीके से तो आप टीचर्स को लेट डाउन मत करें ना ऐसे वेट कर रहे होते हैं हम आपका कि आप आए तो हम आपको पढ़ा दें होमवर्क सेंड करने के लिए टाइम आपका पूरा दिन है ये कोई वक्त नहीं है होमवर्क सेंड करने का फातिमा आप भी सुन रहे हो बेटा जी मैं टाइम पर बेटा क्लास स्टार्ट किया करें जी लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर आपको तो इतना ज्यादा ना हम बहुत काम दे रहे होते हैं जस्ट कहते हैं कि आप रेगुलर क्लास से स्टार्ट करें लेना और लर्निंग पे मेरा फोकस होता है उसके बावजूद आप जो है ना टीचर्स को परेशान करते हैं अच्छा जी चलें जी हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया हुआ था आसान आप उस दिन प्रेजेंट नहीं थे वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तो थोड़ा सा जी थोड़ा सा आप की रीइंफोर्समेंट के लिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है उस पूरे चैप्टर में वी रीड अबाउट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें शामिल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि देखेंगे कि हम जितना भी सारा दिन में काम करते हैं जो भी हम डिसीजंस लेते हैं जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम मौजूद है और वो जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो बेस किस पे कर रहा होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ठीक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमें हर तरह का मैसेज देंगे हर तरह का हमें ऑर्डर देते हैं कि जिसको फिर हम ओबे करते हैं और अपनी रूटीन को स्मूथली चला रहे होते हैं इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा सिस्टम भी हमारी बॉडी में मौजूद है दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर कोई ट्यूब्स नहीं होंगी कोई ऑर्गन्स नहीं होंगे जस्ट उसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं ग्लैंड्स आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर से स्पेशल केमिकल्स रिलीज होते हैं सिक्रीशंस रिलीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड दे कंट्रोल डिफरेंट मैकेनिजम्स ऑफ आवर बॉडी ठीक है ये दोनों जो है सिस्टम्स एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस विच इज बेस्ड ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड जितनी भी नर्व उससे रिलेटेड जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में वो उसमें आ जाएगा और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम विच इज ट्यूबलेस सिस्टम उसमें कोई ट्यूब्स नहीं होंगी जस्ट ओपन ग्लैंड्स पड़े हुए हैं और वो अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो बॉडी में रिलीज कर देंगे जी फातिमा आपको समझ आया है व्हाट इज डिफरेंस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फातिमा आर यू लिसनिंग मी फातिमा हसन आप सुन रहे हैं बेटा Yes, ma'am. जी आप बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference in central nervous system and endocrine nervous system? Oh, sorry, endocrine system. Yeah. ma'am, उसके अंदर जो hormones हैं, वो use होते हैं, ma'am. इसके अंदर neurons. किसमें hormones होते हैं? किस system में? ma'am, endocrine gland में. ठीक है. और जो दूसरे में neurons होते हैं. यानी कि पूरा नर्व्स का सिस्टम होता है फातिमा आप सुन रहे हो बेटा आर यू लिसनिंग
यस मिस, माइफेयर का बहुत इशू हो रहा है, आवाज यहाँ आपको कट के आ रही है, वो ही देख रही थी। आवाज आपको कट के आ रही है? अब वैसे आपकी आवाज मुझे अब आना स्टार्ट हुई। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। आज ये हमने लास्ट वीक में यहाँ तक हम कर चुके थे अपना चैप्टर, जिसमें हमने ये बेसिक बेसिक जितने भी टूल्स यूज होने हैं उनके बारे में हमने रीड किया था कि व्हाट आर रिसेप्टर्स, एंड रिसेप्टर्स जो हैं वो सबसे पहले तो बात आएगी स्टिमुलर, स्टिमुलाई से रिसेप्टर, रिसेप्टर से मैसेज जाएगा ब्रेन तक थ्रू नर्व्स, नर्व्स द्वारा मैसेज लेकर आएंगी और इफेक्टर्स तक लाएंगी, और इफेक्टर्स जो हैं वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, ये हमने उस दिन लास्ट जो लेसन था उसमें देखा था। इसी तरह से जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है उसमें भी जो स्टिमुलाई हैं दे विल रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जब इसको रिसीव कर लेंगे फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड तक आएंगे, यहाँ से उनमें जो है वो चेंजिंग्स आएंगी, हार्मोन्स विल चेंज एंड गो टू द इफेक्टेड एरिया वेयर दे विल शो रिस्पॉन्स। तो ये दोनों जो सिस्टम्स हैं इनको डायग्रामेटिकली इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा शो किया हुआ। नाउ मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। इसमें वही दो वाले दोबारा से पार्ट्स आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे बेसिकली पिक्चर उस तरह से बनी नहीं हुई, मैं फिर भी फर्स्ट पेज पे जाती हूँ जहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस आपको बता दूँ। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन यहाँ पे। स्टूडेंट्स कैन यू? यस मैम। जी अच्छा हसान, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है इस तस्वीर में? जी हसान क्या नजर? यस मैम। क्या देख रहे हो इस पिक्चर में, क्या नजर आ रहा है आपको? मैम ब्रेन जो है वो बॉडी का कमांड दे रहे हैं। अच्छा, इसमें पूरी एक बॉडी नजर आ रही है और उन्होंने एरो से ये शो किया कि जो ब्रेन है उससे मैसेजेस तमाम जो ऑर्गन्स हैं मेजर वहां तक, जैसे लिवर, हार्ट हो गया, इसके अलावा हमारे मसल्स हैं, वहां तक मैसेजेस जा रहे हैं। बेसिकली उन्होंने शो ये किया है कि ब्रेन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, लेकिन दिस इज नॉट ऑल अबाउट ब्रेन। हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसमें ब्रेन, और यहाँ पर ब्रेन होता है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ नेक एरिया से नीचे पूरी कमर की हड्डी तक जा रही होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है बैक साइड पर। ठीक है, हमारी गर्दन की पीछे बैक से एंड तक, जहाँ तक हमारी जो रीढ़ की हड्डी एंड हो रही है वहां तक स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। तो ये मेन दो ऑर्गन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ हुआ है, पूरी बॉडी में इसकी जो नर्व्स हैं वो फैली हुई हैं, दिमाग से लेकर और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर छोटी छोटी जो ब्रांचेस की फॉर्म में जो नर्व्स हैं ये सारी फैली हुई हैं, और इस सिस्टम को हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है दिस इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस। एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का नाम लेंगे आपके, ये हमारा मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लेकिन काम करने के लिए जो उन्हें वर्कर्स चाहिए, जो उन्हें टूल्स चाहिए, वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब भी मैं पूछूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या कोई भी बात करता है व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें आपने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का नाम नहीं लेना, बल्कि किस चीज का नाम लेना है, ऑल द नर्व्स विच आर स्प्रेडिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये जो नर्व्स होंगी ये बिल्कुल बॉडी के एंड तक, ये देखिए अंगूठे की टो तक ये नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? फातिमा आप बताओगे व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? हाँ जी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस बताइए ना। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम एकदम से ब्रेन का नाम ले देते हैं, इसमें ब्रेन आ जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलूं तो उसमें क्या नर्व सिस्टम होती है ना? जी नर्व सिस्टम होती हैं, और क्या ये इनका क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम?
मिस दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? हसन आप बता दीजिए इफ यू नो. नहीं पता बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि दिमाग से जितनी भी नसें निकलेंगी, जितनी भी नर्व्स निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलेंगी वो पूरी बॉडी में फैली हुई है एक नेटवर्क की तरह. हाँ जी, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन जाएगा. तो इन दोनों में रिलेशनशिप आ गया ना, दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलेंगी वो सारी की सारी बॉडी में स्प्रेड कर रही हैं और पूरा एक नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला हुआ. तभी तो मैसेजेस जा रहे होते हैं. दिमाग से मैसेज कैसे हमारे हाथ तक पहुंचेगा? इसी तरह पहुंचेगा ना कि पूरी नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई. ठीक है, चलें जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आ जाते हैं आगे. अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों ने बता दिया कि हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन टू मेजर कंपोनेंट्स. एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यहाँ तक क्लियर हुआ है आप स्टूडेंट्स को? यस मैम. जी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं. अब हम वन बाय वन देखेंगे. ये सबसे पहले हम देखेंगे कि अब इन कंपोनेंट्स की डिटेल क्या है, हाउ दिस सिस्टम वर्क. और वर्क करने के लिए हम सबसे छोटे सेल से स्टार्ट करते हैं. जैसे हम किडनी का देखा था कि किडनी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसका नाम था नेफ्रॉन. अब यहाँ पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे. दैट इज नोन एज नर्व सेल और न्यूरॉन. इसको क्या बोलेंगे? न्यूरॉन बोलेंगे, न्यूरॉन. अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नेफ्रॉन इज समथिंग एल्स एंड न्यूरॉन इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, नेफ्रॉन तो किडनी का फंक्शनल सेल था और न्यूरॉन जो है वो दिमाग का सेंट्रल फंक्शनल सेल. अच्छा जी, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पर आते हैं. ये देखें जी, दिस इज वन न्यूरॉन. और न्यूरॉन मुख्तलिफ तरह के होते हैं. बेसिकली देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. इन्होंने ये तीनों टाइप्स की डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाएंगे. कैन यू सी द स्क्रीन स्टूडेंट्स? यस मैम. जी, अब एक न्यूरॉन, जी अब एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं. यही पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो यहाँ पर अब हम एक्सप्लेन करेंगे. न्यूरॉन इज, चूंकि ये एक सेल है तो सेल की इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इसकी जो मेन बॉडी है दैट इज नोन एज सेल बॉडी. ये देखिए इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है. सेल, वैसे हमने पीछे बहुत दफा आपने स्टडी किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल. उसमें बेसिक जो ऑर्गेनेली होता है वो उसका अंदर न्यूक्लियस होता है. इसके अलावा सेल के अंदर और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ रिकॉल करें पुरानी ऑर्गेनेल्स को? राइबोसोम. जी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज. तो चूंकि ये सेल है तो इसके अंदर भी ये तमाम ऑर्गेनेल्स इसमें आपको मिलेंगे. लेकिन चूंकि अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं नर्व सेल्स की तो हम बस मेजर ऑर्गन्स की, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको नजर आ रही है, इससे उन्होंने अंदर के ऑर्गेनेल्स को लेबल नहीं किया. सेल बॉडी इज द जो है उसके अंदर न्यूक्लियस आपको नजर आएगा. और इसके अलावा आप देखो कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की वो बिल्कुल राउंड नहीं है बल्कि छोटी छोटी ब्रांचेज में आगे से डिवाइड हो गई है ना. तो दीज ब्रांचेज आर नोन एज डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं इन्हें? डेंड्राइट्स. और ये इस तरह से ब्रांचेस में क्यों है? क्योंकि हमारे जो दिमाग के सेल्स का यानी कि न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली सिग्नल्स को पास करवाना है. सिग्नल्स को, छोटे छोटे करंट्स को पास करवाना है. तो इन डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल्स जो है रिसीव होंगे. दीज आर बेसिकली, दीज डेंड्राइट्स आर बेसिकली रिसीवर्स ऑफ सिग्नल्स. ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी शेप को इस तरीके से रखा हुआ है जैसे इन्होंने कुछ रिसीव करना है, कैच करना है. अच्छा जी, इसके अलावा एक एंड पर तो यहाँ पे आपको डेंड्राइट्स नजर आ रही हैं काफी सारे. इसके अलावा जो सेल बॉडी है इट इज प्रोलॉन्ग्ड इनटू अ लॉन्ग टेल. इसकी एक लंबी सी इस तरह से एक्सटेंशन भी आपको नजर आ रही है लंबी सी, एंड इट्स नोन एज एक्सॉन. ठीक है, इसको एक्सॉन बोलते हैं. और इस एक्सॉन के ऊपर यू कैन सी अ कवर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऊपर एक शीट लिपटी हुई है, कवरिंग हुई हुई है. ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज माइलियन शीट. और ये माइलियन शीट जो है ये येलो येलो इसलिए शो हुआ हुआ है कि इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. इसके ऊपर जी एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो मैम. नो मिस. जी, अब माइलियन शीट इज मेड अप ऑफ फैट्स, चर्बी से बनी हुई है ये. ठीक है,
और ये फैट की क्यों बनी हुई है, फैट की कोई रीजन आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर फैट अल्लाह ताला ने क्यों रखा हुआ है इस एग्जाम के इर्द गिर्द? एनी आइडिया अबाउट इट? नो मैम। जी फातिमा। ताकि सेफ रहे मिस। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों यहाँ पे ये, क्योंकि देखिए न्यूरॉन का काम है नर्व इम्पल्सिस को आगे की तरफ ट्रांसमिट करना, और नर्व इम्पल्सिस आर बेसिकली करंट्स, छोटे छोटे करंट्स की फॉर्म है, माइन्यूट करंट्स, सिग्नल्स हैं। अब जब सिग्नल्स यहाँ से अगले सेल की तरफ ट्रांसमिट होना है तो इसको इंसुलेट रखना है इस वायर, इट इज जस्ट लाइक अ वायर। जैसे फिजिक्स में नहीं पढ़ते आप, करंट पास कर रहा है वायर में से, तो करंट जब वायर में से पास करेगा, जी करंट जब वायर में से पास करेगा तो उसकी ऐसे तो नहीं है कि करंट साइडों पे भी ट्रांसफर होना, क्योंकि करंट आपको पता शॉकिंग होता है, झटका देता है, तो उससे बचने के लिए इसको इंसुलेट कर दिया है। इसीलिए इंसुलेशन के लिए कि करंट कहीं और किसी और तरफ ना जाए, यहाँ से इंसुलेट हो रहा है, सिर्फ इसी वायर में ही मूव करेगा, इसलिए माइलियन शीथ की कवरिंग हो गई है इसके लिए। ठीक हो गया जी हसान, समझ आया आपको व्हाई देयर इज अ माइलियन शीथ कवरिंग अराउंड द एग्जॉन? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब एग्जॉन जो है वो कंप्लीट, आप देखो पूरी कंप्लीट शीट नहीं है बल्कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ये एंड, मतलब ऐसे जैसे वो वेवें हैं, ब्रेक हो रही है ना जगह जगह से, इन इन पॉइंट्स पर ऐसे जैसे माइलियन शीट टूट रही है। जी तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज नॉड्स ऑफ रेनवियर, जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं। और जो स्वेलिंग वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको शीट बड़ी क्लियर नजर आ रही है, इट्स नोन एज श्वान सेल्स। अब इनके नाम बेसिकली जिन्होंने इन पे रिसर्च किया है ना, उन्हीं के नामों पर इन सेल्स का नाम रख दिया गया है। जहाँ पर शीत आपको नजर आ रही है वह उन पॉइंट्स को आप बोल रहे हो श्वान सेल्स, और जहाँ पर शीत आपको बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्ट वैसे दबी भी नजर आ रही है, ब्रेक हुई भी नजर आ रही है, इट्स नोन एज नॉड्स ऑफ रेनवियर। और अब इसमें भी कोई मतलब रीजन है इस बात की कि ये जगह जगह से ऐसी ब्रेक क्यों है, बेसिकली इसकी स्पीड को, करंट की स्पीड को इनहांस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में मैसेज जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, तो इस मैसेज को ट्रांसफर बड़ी तेजी से करवाने के लिए एक स्मूथ, उन्होंने नहीं स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि क्या होगा, करंट इसमें से जैसे जंप ले लेके आगे की तरफ, हर नॉड्स ऑफ रेनवियर पर करंट जो है वो जंप ले लेके पास करेगा और बड़ी स्पीड शो करेगा, इसलिए इसकी जो कवरिंग है वो इस तरीके से जगह जगह से ब्रेक हुई है। अच्छा जी, आगे इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज एंड पेयर, ये दोबारा से देखें, दीज ये एंड पॉइंट्स हैं और करंट यहाँ आकर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा अगले, जारी बात है एक सेल के बाद एक अगला सेल आगे भी होगा तो करंट विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट ऑर्गन। अच्छा जी, आगे अब इसको हम रीड कर लेते हैं ताकि अगर कोई इसमें पॉइंट अगर मिस हो गया है तो आप इसको देख लें दोबारा से। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो इसमें हसान बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स लेबलिंग में नजर आ रहे हैं? मैम मेलियन शीथ और मैम न्यूक्लियस एंड मैम डेंड्रिटिस, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलेंगे आप। बेसिकली इसकी आपने देखी, इन्होंने एरोहेड से शो किया हुआ, इट हैज बेसिक टू पार्ट्स, उन पहले उन दो पार्ट्स को आपने बताना है, दिस इज अ सेल बॉडी यहाँ से यहाँ तक, और फिर नीचे जो लंबाई वाला इसका जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इट्स नोन एज एक्सॉन। फिर आगे से उसकी डिटेल्स हैं कि सेल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डेंड्राइट्स एंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स एज वेल, सेल की तरह है ना तो इसके अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ऑर्गेनेल्स भी होंगे, और जो एक्सॉन है उसके ऊपर माइलियन शीथ मौजूद है। माइलियन शीथ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉड्स ऑफ रेनवियर एंड श्वान सेल्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये वाला न्यूरॉन डिफरेंट शेप का है, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन है, ये भी हम आगे टाइप्स पढ़ते हैं इंटर न्यूरॉन्स क्या है। इंटर न्यूरॉन्स की देखें उसमें लंबी रॉड आपको नजर नहीं आ रही बल्कि न्यूक्लियस की सेल बॉडी है और साइड्स पर डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं। और एक और टाइप ऑफ सेल है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन की भी आप देखो सेल बॉडी सेंटर में है और एक साइड पर डेंड्राइट्स वाला पोर्शन है, दूसरी तरफ इसकी एक्सॉन वाला पोर्शन है। और जो ये वाला आपको न्यूरॉन नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं, बेसिकली मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन।
ठीक है अच्छा जी इसको रीड करने की जरूरत है या नीचे चलें? नहीं यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो रहा है इसको आप देख लें इंसान इसको रीड करें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं Nerve cell or neuron is a unit of nervous system. The human nervous system consists of billions of neurons plus supporting neuroglial cells, neuron eye cells that are able to conduct pulses from receptor generator and from coordinator to effector. In this way, they communicate. Yes. Communicate with each other and with other type of body cells. The nucleus and most of the cytoplasm of a neuron is located in its cell body. Different purposes extend out from the cell body. These are called dendrites and axons. Dendrites conduct impulses to our cell body and conduct impulses away from the body. जी अब ये कह रहे हैं कि जो dendrites हैं वो nerve impulses obviously हमारे ब्रेन में हमारी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं तो ये तो अभी सिंगल आपको दिखाया गया है ना लेकिन इसके पीछे भी ऑब्वियसली न्यूरॉन पड़ा होगा इसके आगे भी न्यूरॉन अटैच हुआ होगा तो वो कह रहे हैं जो करंट नर्व इम्पल्स है वो डेंड्राइट रिसीव करता है पीछे से पिछले सेल से वो रिसीव करेगा नर्व इम्पल्स इसके अंदर चली जाएगी सारी नर्व फिर आगे से पास ऑन होगी थ्रू एक्सॉन एंड ट्रांसमिट हो जाएगी अगले न्यूरॉन ये आपको इसका पाथवे पता होना चाहिए कि करंट जो है या नर्व इम्पल्स है वो पास कहाँ से कर रही है डेंड्राइट से एंटर होगी मूव ऑन फ्रॉम द एक्सॉन एंड देन पास ऑन या ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और इस तरीके से बड़ी तेजी से मैसेज जो है वो आगे से आगे कन्वे होता चला जाएगा ठीक है जी श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स ये सपोर्टिंग सेल्स हैं और रेगुलर इंटरवल के ऊपर ये रेगुलर इंटरवल पर आपको एक्सॉन पे नजर आ रहे हैं In some neurons, Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath over axon between the area. ये मैंने आपको बताया कि जो rods of Renvier हैं, ये क्या हैं कि जगह-जगह से myelin sheath आपको टूटी भी नजर आ रही है. तो ये वो वाले points आ जाएंगे. इसके अलावा current जो है, myelin sheath is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct nerve. इम्पल्स यानी कि वो कह रहे हैं नर्व इम्पल्स किसी और साइड पर नहीं जाएगी बल्कि सीधी सीधी पास करेगी इसी वायर के अंदर से इन सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड सॉल्टेटरी और जंपिंग इम्पल्सेस क्योंकि वो आपने देखा ना इसे उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है जैसे यहाँ से जो करंट गुजर भी रहा है तो ऐसे जैसे उछल उछल के एक नॉड्स ऑफ रेनवियर से करंट बड़ी तेजी से अगली नॉड पे आएगा यहाँ से अगली नॉड पे आएगा तो इस तरीके से जो करंट विल पास और इस मेथड को क्या नाम दे रहे हैं जंपिंग इम्पल्स ठीक है सॉल्टेटरी इम्पल्स यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज मेंट बाय सॉल्टेटरी इम्पल्स तो आप इस दो तीन लाइनों को मिलाकर इसका आंसर दे सकते हैं दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इस तरीके से अगर मतलब अगर आप तेजी से भागे नहीं बल्कि बड़ी बड़े जंप्स ले रहे हो तो वो कह रहे हैं स्पीड जो है वो करंट की बहुत तेज हो जाएगी नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स अब इनके फंक्शन की बेस पर इनकी टाइप्स जो है वो बनी हुई है अल्लाह ताला की जो आपको पता है नेचर अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर बड़ा ही एक जबरदस्त सिस्टम रखा हुआ है अब जिस नर्व सेल का जो काम है उसके मुताबिक उसकी बॉडी को अल्लाह ताला ने शेप दी हुई है अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स होंगे जो कि किस साइड पर पाए जाएंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स की साइड पे इट मीन्स ये हमारी स्किन में बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि स्किन के थ्रू हम किसी भी चीज को टच करके एकदम से सेंस कर लेते हैं कि हमें अब क्या करना है मोस्टली और पैरों में हाथों में मसल्स में मिलेंगे आपको सेंसरी न्यूरॉन्स क्योंकि इनका काम क्या है जो स्टिमुलाई है उसको सेंस करना हसान उस दिन आपने लेक्चर नहीं लिया था बेटा तो स्टिमुलाई के बारे में बता सकते हैं व्हाट इज स्टिमुलाई और स्टिमुलस क्योंकि मैंने बात की ना कि सेंसरी न्यूरॉन्स विल रिसीव द response from the stimuli. तो अब आपको stimuli का idea होना चाहिए. What is stimuli? फातिमा आप बताओगे what is stimuli? जी फातिमा
stimulus any change in stimuli. जी वेरी गुड. व्हेन देयर इज सम चेंज इन द एनवायरनमेंट, वो बाहर से भी हो सकता है या बॉडी के अंदर भी कोई चेंज हो सकता है, तो दैट इज अ स्टिमुलाई. और स्टिमुलाई को सेंस, जी स्टिमुलाई को सेंस करने के बाद ही हमारी बॉडी के अंदर मैसेज जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन फिर आगे से ऑर्डर देता है. और ऑर्डर जो है वो, अब इसमें तीनों को अगर मैं इन्वॉल्व कर लूँ तो क्या होगा. सबसे पहले हम बात ये सेंसरी न्यूरॉन्स की कर रहे थे, कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि जो नर्व इम्पल्स है उसको ये कंडक्ट करता है. पहले तो सेंस कर लेगा और फिर आगे की तरफ पास ऑन कर देगा फ्रॉम रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि ये नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज लेगा रिसेप्टर से और मैसेज को आगे की तरफ ब्रेन की तरफ पास कर देगा. सेंसरी नर्व्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन. ये उसकी शेप अभी ऊपर आपने देखी थी, इसके पास एक डेंड्राइट है और एक ही एक्सॉन है. इसके बाद इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये जो न्यूरॉन्स होंगे, आपको पता है हमारा जो दिमाग है ये जितना भी हमारे सर के अंदर ब्रेन का पोर्शन पड़ा हुआ है और जितना भी स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी में जितना भी वो मटेरियल है, दैट इज फिल्ड बाय मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स. दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इन तक पैगाम पहुंचता है कि ये हो रहा है चेंज. दे इंटरप्रेट देम उसको रीड करते हैं, ये मैसेज को ये बकायदा पढ़ते हैं, उसके बाद ऑर्डर पास करते हैं. अब सोचते हैं कि करना क्या चाहिए. एंड देन स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स को फिर अपना मैसेज दे देते हैं कि अब ये काम करें आप. दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, यानी कि बेसिकली ये दिमाग में बैठे हुए हैं सेल्स इंटर न्यूरॉन्स, और वहां पर मैसेज लेकर उसके मुताबिक मैसेज, जो भी नया मैसेज आप कन्वे करना है वो मोटर न्यूरॉन्स को कन्वे कर देते हैं. मोटर न्यूरॉन्स क्या करें, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू द मसल्स और ग्लैंड्स. अगर मसल्स ने मूव करना है तो वहां पे मैसेज दे देंगे, और अगर ग्लैंड्स यानी कि हार्मोन्स ने रिलीज होना है तो ये एंडोक्राइन सिस्टम को मैसेज दे देंगे. दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन. इसकी शेप आप देखो, मोटर न्यूरोन की शेप देखें, ये वाली जो हमने पढ़ा था ना, इसके देखे डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा हैं और इसका एक ही एक्सॉन है. क्योंकि इसका काम क्या है, इसने मैसेज इंटर न्यूरॉन से लेकर आगे कन्वे करना है टू द इफेक्टर्स तक मैसेज लेके जाना है. थोड़ा सा मुझे मेरा ख्याल है उस पेज पे जाना चाहिए जैसे कि स्टार्ट में, या इसी को देख लेते हैं. हसान, आपको इस पिक्चर में देख के क्या समझ आ रही है चीज, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे हमारे दिमाग में या हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो कैसे रहा है? मैम ब्रेन मैम नर्व इंपल्सेस मैम न्यूरॉन सेंड करता है पूरी बॉडी में, खुद ही सेंड कर रहा है. उसको बाहर से किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ रही. कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्टार्ट कहां से होगा बेटा, स्टिमुलस से. कोई चेंज होता है तो हमारा ब्रेन जो है, जी मैम एनवायरनमेंट से मैम जो ऑर्गन है उसको फिर देते हैं मैम, ब्रेन जो अपने न्यूरॉन सेंड करता है और फिर वो आगे से रिस्पॉन्स करता है. हाँ बिल्कुल, देखिए स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर्स को कुछ चेंज जो है वो देता है. रिसेप्टर्स उसको रिसीव करके न्यूरॉन्स के थ्रू, कौन से न्यूरॉन्स होंगे अब यहाँ पर, अभी हमने ये देखा यहाँ पर, आप कौन से न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे जो कि मैसेज रिसीव करेंगे. और ये देखें नर्व इम्पल्स आगे की तरफ मूव कर रही है, इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स हमें मिलेंगे, इंटर न्यूरॉन मिलेंगे. यहाँ पर इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को जो उन्हें पीछे से मिला उसको रिसीव करने के बाद रीड करेंगे, रीड करके उसको इंटरप्रेट करेंगे. इंटरप्रेट मीन्स उसके मुताबिक ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे मोटर न्यूरॉन्स को. मोटर का मतलब ये है कि बड़ी तेजी से ये मोटर न्यूरॉन्स मैसेज आगे कन्वे कर देंगी टू द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स कौन सा पार्ट है हमारे कोऑर्डिनेशन का जो कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स अब शो करेंगे. हमें मैसेज तो मिल गया स्टिमुलस के थ्रू, अब उसका हमने कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देना है ना. तो इफेक्टर्स जो हैं थ्रू मसल्स और थ्रू ग्लैंड्स उसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है. और इट कुड बी फिजिकल और इट कुड बी केमिकल, बोथ हो सकते हैं. फिजिकल में हम क्या, अगर हमारी चीज हाथ किसी गर्म चीज को लग गया तो फौरन से पीछे कर लेंगे. और केमिकल का क्या है कि जैसे आप तेजी से भागे हैं तो हमारी बॉडी को मैसेज मिलेगा हार्मोन्स के थ्रू कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जाए मसल्स तक.
तो इस तरीके से दोनों तरीके से जो रिस्पॉन्स है वो कन्वे हो रहा होगा. ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको एक इसका पाथवे समझ आए हाउ आवर कोऑर्डिनेशन सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरॉन्स. जी फातिमा न्यूरॉन्स कितने टाइप की हैं, नाम लीजिए न्यूरॉन्स का और नर्व्स का. नर्व्स भी बोल सकते हैं आप इसे, न्यूरॉन तो उसका नाम है ना एक नर्व का. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स. जी फातिमा सामने लिखी भी नजर आ रही है बेटा. थ्री टाइप्स. कौन कौन सी ये भी जो हमने पढ़ी है? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स. सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स या इंटर न्यूरॉन, बोथ आर सेम. इसको मिक्स नर्व भी बोल सकते हैं और इंटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं. ठीक है अब इस पे नर्व, अब इसको हसान बेटा आप रीड कर दो इस पैराग्राफ को. यस मैम. इसको रीड कर लीजिए फिर आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made of lipid. Based on the property of axons, the nerves are classified into three types. Sensory nerves contain the axons of sensory neurons only. Motor nerves contain the axon of motor neurons only. Mixed nerves contain the axon of both sensory and motor. हाँ जी. अब sensory nerves में कौन से type आ जाएगी axon की जो कि sense कर सकता है? ठीक है. स्टिमुलाई को महसूस कर सकता है. जो मोटर न्यूरॉन होगा उसमें एक्सॉन की टाइप कैसी कौन सी होगी? उसमें मोटर न्यूरॉन्स होंगे और दे विल वेरी फास्ट. उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो करंट को आगे भेजने की जो एबिलिटी है दैट इज वेरी फास्ट. इसीलिए उनको मोटर नर्व्स बोला जाता है. मिक्स नर्व्स में इन दोनों की टाइप्स आ जाएंगे. अब आपने जो होमवर्क करना है, होमवर्क तो पता नहीं, आई डोंट नो आप बच्चे क्यों नहीं करते, क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग होमवर्क करने में इतने सुस्ती क्यों दिखाते हैं. हसान और मैंने तो कोई लंबा कभी आपको काम ही नहीं दिया, जस्ट डायग्राम्स देनी होती हैं ड्रॉ करने को, वो भी आपसे ड्रॉ नहीं होती. फातिमा ठीक है, आपका जो इंटरनल ग्रेड बन रहा है ना, मैं सादिया में बार बार मैसेज करती हैं डेवलप करते जाएं, तो फिर वहां पे 0-0-0 ही लगा रही हूँ. स्टार्ट में आप लोगों ने काम किया, उसके बाद कुछ भी नहीं. असाइनमेंट नंबर 2 आपने कहा मत दें, हमें लिखना पड़ता है इतना सारा. मैं कहा चले क्विज के थ्रू में हम चलते हैं, क्विज लेना शुरू कर लेते हैं. अब क्विज आपका इस वीक में आना है, फ्राइडे को आना है. अब आप लोग बिल्कुल भी ना वो एफिशिएंटली काम शो नहीं करते. हसान ये जो बोथ ऑफ यू लिसन केयरफुली, ये तीनों जो डायग्राम्स हैं, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल नंबर. समझ आ रही है आप दोनों को? ओके ओके करते हैं, आप काम भेजते नहीं हो, क्या चक्कर है? बाद में भूल जाते हैं दोनों, जैसे छोटे बच्चे भूल जाते हैं टीचर ने आज क्या करवाया था. मैम आज ही भेज दूंगा मैं. एंड फातिमा यू? फातिमा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ रात तक भेज दूंगी और हंस भी रही है साथ साथ. आपका नहीं मिस. अच्छा जी आपका क्विज फ्राइडे वाले दिन, नहीं सॉरी मंडे वाले दिन आपका क्विज होगा. और इस चैप्टर का जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ये जहां तक भी पढ़ लिया होगा आप समझ लीजिएगा कि मंडे को उसका क्विज है. ठीक है? ओके मैम. अच्छा जी आगे चलते हैं. यस. टाइम क्या हो गया है? 2 मिनट ऊपर हो गए हैं. अच्छा अच्छा चले आप फिर होमवर्क को आज आपने मुझे अश्योर करना है कि यू विल सेंड योर होमवर्क टू मी. ओके. Yes, और क्विज पहले देखा था आपने, उसका रिजल्ट अपने उस पे देखा था ग्रुप में, मैंने सेंड किया था क्विज नंबर 1. जी मिस. कुछ आइडिया है स्कूल कब तक ओपन होंगे? आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन? नो मिस, अभी दूर दूर तक मिस कोई चांस नहीं है. नहीं टीवी पे तो बताते हैं कि हम सितंबर में खोल देंगे. मिस मैंने पूछा था लेकिन कहते हैं अभी नहीं. फिर बेटा जब पता है कि इस तरह ही है तो फिर पढ़ना अगर ऐसे ही है तो फिर इसको इसी तरह कंटिन्यू करें. आप जरा कोऑपरेट करें टीचर्स के साथ. ठीक है जी मिस. चलें जी. ओके आई थिंक टाइम जो है वो कभी भी
एंड हो रहा है. ओके जी, अल्लाह हाफिज बोथ ऑफ यू. होमवर्क भेज दीजिएगा याद से दोनों बच्चे. शोर को होता है इसका ना जैसे